वेलकम टू अनु एंजलिन्स किचन। आज का रेसिपी है लौकी कोफ्ता करी। बहुत ही उम्दा साइड डिश है। चलिए देखेंगे कैसे बनता है। ग्रेट किया हुआ लौकी लिया है मैंने 1 कप। इसमें नमक डालेंगे, अच्छे से मिला लें और 10 मिनट रखें। देखिए इसका पानी अच्छे से निकल गया है। इसे हम स्क्वीज करके इसका पानी निकाल लेंगे। नमक के वजह से पानी अच्छे से छूट गया है। ये पानी को टेस्ट करें, अगर ये कड़वा है तो इसे फेंक दें, अगर कड़वा नहीं है तो इसे रखें। स्क्वीज किया हुआ लौकी को डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हिंग, बेकिंग सोडा, हल्दी, बेसन, दही डालेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। कोफ्ता का मिश्रण तैयार है। छोटे बॉल्स बनाएं। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसे पलट देंगे। देखिए ये दोनों तरफ पक गया है। इसे निकाल दें। एक पैन में घी डालें 2 बड़ी चम्मच, जीरा, बारीक कटा प्याज, बारीक कटा अदरक, बारीक कटा लहसुन, हरी मिर्च। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इसका कच्चापन जाने तक भूनें। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। बारीक कटा टमाटर डालें। लौकी स्क्वीज किया हुआ पानी डालें। इसे मिला लें और 5 मिनट पकने देंगे। नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च, इसे मिला लें। दही डालेंगे 1/2 कप। सभी को अच्छे से मिला लें। पानी डालें थोड़ा और थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए घी छूटने लगा है। कोफ्ता को डालें। कोफ्ता को पलट दें और सभी तरफ कोट करें। धनिया के पत्ते डालेंगे और लीजिए स्वादिष्ट और मजेदार लौकी कोफ्ता करी तैयार। जरूर बनाएं और कमेंट्स में अपना अनुभव बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर करें लाइक, दोस्तों को करें शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। टेक केयर। बाय बाय।